हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने विद्येश्वर संहिता के अध्याय 13 का श्रवण किया। अब आज हम अध्याय 14 का श्रवण करेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये अध्याय सुन रहा है एवं देख रहा है, आप उसके सिर पर, उसके परिवार पर अपनी कृपा अवश्य रखना। तो चलिए आगे हम सुनते हैं। अध्याय 14 में बताया गया है कि देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ठीक है, तो हम आप शुरू करते। ऋषि मुनियों ने कहा, पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। ऋषि जी कहते हैं, तो सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रों फलों को समान सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि कौन कौन से वृक्ष कौन कौन सा फल देते हैं। तो चलिए आगे हम सुनते हैं। सूत जी बोलते हैं, देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाड़ी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारमय बताया जाता है। सत्ययुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम से हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण करने वाले पुरुषों को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए, उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विश्व से भी 10 गुना माना गया है। उसे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उसे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्र में होता है। इस बात को विक पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विशेष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विषय की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विषय की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का फल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते भी हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यज्ञ के ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिससे 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में सामर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। हे गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो
धनहीन है, वह दूसरों को धन नहीं देता। जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला होता है। विप्र वरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण व्रत से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। सिल और उच्च व्रत से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का सौर से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का वैश्य सेवा व्रत से प्राप्त हुआ धन भी उत्तम द्रव कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ उसके लिए वह उत्तम द्रव है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमिका दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारण होता है। सुवर्ण का दान जठर अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए, धन का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान पाषाण रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विग्र पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि इस 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरुदेव के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध कराने वाले करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं भाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्त्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थयात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शरीर की यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति करने में सामर्थ्य होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक, दमक या सफाई और गुण, सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर ईश्वरा
पर बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। तो दोस्तों यहीं पे 14वां अध्याय समाप्त हुआ विद्येश्वर संहिता का। इसके आगे अगले वीडियो में हम 15 अध्याय का श्रवण करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। 15वें अध्याय में बताया गया है कि पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नौवेग का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मासवार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया गया है। तो आप किस प्रकार लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया गया है, इसका श्रवण हम लोग 15वें अध्याय में करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को क्लोज करते